तारीख थी 22 अगस्त 2016। शाम होते होते फिरोजाबाद शहर में आग की तरह फैल जाती है। ये खबर थी शहर के सबसे बड़े कारोबारी के इकलौते बेटे के गायब होने की। परिवार से लेकर पूरा प्रशासन गायब हुए लड़के की तलाश में लग जाता है, मगर उसका कहीं भी अता पता नहीं चलता। इसी बीच परिवार वालों को मोबाइल पर एक मैसेज मिलता है। मैसेज पढ़ते ही हर कोई शॉक रह जाता है। लड़का किडनैप हो गया था। ये हाल की सबसे बड़ी किडनैपिंग थी और फिरौती की डिमांड काफी बड़ी थी, पूरे 10 करोड़ रुपए और 30 किलो सोना। मामला पुलिस तक जाता है। फिर इस पूरे केस में कुछ ऐसा होता है कि हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इस घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति के बारे में तो सुनकर एक पल के लिए यकीन करना ही मुश्किल हो जाता है। तो आखिर क्या है इस केस की पूरी कहानी, आगे इस केस में क्या कुछ होता है, चलिए सब जानते हैं। ये पूरी कहानी देश के फिरोजाबाद शहर की है। देश में सबसे ज्यादा चूड़ी का कारोबार फिरोजाबाद में ही होता है। यही वजह है कि फिरोजाबाद को सुहाग की नगरी भी कहा जाता है। इसी फिरोजाबाद में अतुल मित्तल नाम के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी रहते थे। इनकी गिनती शहर के सबसे बड़े चूड़ी कारोबारियों में की जाती थी। इन्होंने रियल एस्टेट में भी अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। अतुल मित्तल का एक बेटा था जिसका नाम आदित्य मित्तल था। शुरुआती पढ़ाई में स्थानीय स्तर पर ही करने के बाद आदित्य बेंगलोर जाकर क्रिस्ट यूनिवर्सिटी में एमबीए तक की पढ़ाई करते हैं और फिर 2014 में वापस फिरोजाबाद आ जाते हैं। यहां आकर वो अपने पिता द्वारा स्थापित किए गए ओम क्लासेस नाम की कंपनी में ही जिम्मेदारी संभालना शुरू कर देते हैं। पूरे परिवार की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, मगर पूरे परिवार को किसी की नजर लगती है, फिर सब कुछ बदल जाता है। तारीख थी 22 अगस्त 2016। आदित्य हर रोज की तरह 22 अगस्त 2016 को भी सुबह के लगभग 8:30 बजे जिम जाने के लिए अपने घर से शांति भवन से अपनी कार से निकलते हैं। वो रोजाना टुंडला थाना क्षेत्र के ऑर्चर्ड ग्रीन जिम में जाया करते। जिम जाने के बाद अक्सर आदित्य जिम से ही सीधे ऑफिस जाया करते और काम संभालना शुरू कर देते, मगर 22 अगस्त 2016 को आदित्य समय पर ऑफिस नहीं पहुंचते हैं। ऑफिस में जब उनके मोबाइल पर कुछ लोग फोन करते हैं तो आदित्य का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। लोगों को लगता है कि वो शायद अपने किसी दोस्त के साथ निकल गए होंगे, इसलिए ऑफिस नहीं आ रहे। इसलिए कुछ दोस्तों को भी फोन किया जाता है, मगर वो आदित्य के बारे में कुछ नहीं जानते। अब जैसे जैसे समय बीतता जाता है, आदित्य की खोज भी तेज होती जाती है, यहाँ तक कि कई घंटे बीत जाते हैं, मगर आदित्य का कहीं कोई अता पता नहीं। जिम में पता करने को कहा जाता है कि आदित्य तो जिम आए ही नहीं। अब आदित्य के परिवार वाले प्रशासन के पास जाकर आदित्य को खोजने की गुहार लगाते हैं कि अचानक से आदित्य के चाचा के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, आदित्य का अपहरण हो गया है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मेरे अगले फोन का इंतजार करना। ये मैसेज देखते ही हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लोग बेचैन हो जाते हैं, मगर चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि मैसेज में साफ साफ लिखा था किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए परिवार वाले चाहकर भी पुलिस की मदद नहीं ले पाते और अपहरणकर्ताओं के अगले आदेश का इंतजार करने लगते हैं। इधर आदित्य की किडनैपिंग की खबर सुनकर आदित्य का एक बेहद ही करीबी दोस्त रोहन सिंगल आदित्य के घर आता है और आदित्य के परिवार वालों को बताता है कि मैंने आदित्य की कार अंतर्गत आने वाले नागला बीच के इलाके में देखी है। रोहन सिंगल द्वारा दी गई ये जानकारी के आधार पर 22 अगस्त को ही आदित्य मित्तल की कार बरामद कर ली जाती है। अपहरणकर्ताओं ने अब तक आदित्य के परिवार वालों को अपनी डिमांड के बारे में नहीं बताया था, इसलिए ये सभी बेचैन होकर किडनैपर्स की मैसेज का इंतजार करने लगते हैं। मगर काफी देर तक कोई मैसेज नहीं आता, यहाँ तक कि शाम हो जाती है, मगर कोई मैसेज नहीं आता। हालांकि जब अंधेरा कुछ ज्यादा हो जाता है, तभी रात में आदित्य के चाचा के पास एक बार फिर से अननोन नंबर से फोन आता है। फोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि अगर तुम आदित्य को सही सलामत और जिंदा वापस पाना चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके 10 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लो, फिर मैं फोन करूंगा। क्या करना है? हाँ, अमूमन किडनैपिंग के केस में 10, 20 या 50 लाख तक की डिमांड की जाती है, मगर आदित्य की किडनैपिंग करने वालों ने पूरे 10 करोड़ की फिरौती की डिमांड की थी। फिरौती की रकम इतनी ज्यादा बड़ी थी कि आदित्य के परिवार वाले चाहकर भी इतनी बड़ी रकम जल्द से जल्द इंतजाम नहीं कर सकते थे। उधर किडनैपर्स लगातार हिदायत दे रहे थे कि अगर तुम पुलिस के पास गए तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए परिवार वाले पुलिस तक भी नहीं जा पाते। थक हार कर परिवार वालों की ओर से अब फिरौती की रकम कम करवाने की कोशिश की जाने लगती है। ये लोग किडनैपर से पैसे कम करने की काफी गुहार लगाते हैं, मगर वो 10 करोड़ से 1 रुपया भी कम करने के लिए तैयार नहीं होते। कुल मिलाकर परिवार वालों के लिए 10 करोड़ रुपए का इंतजाम करना काफी मुश्किल था। दूसरी तरफ किडनैपर 10 करोड़ रुपए से कम मारने को तैयार नहीं थे।
इसलिए अब आदित्य के परिवार वाले फाइनली पुलिस के पास जाने का फैसला करते हैं। आदित्य की किडनैपिंग की खबर टुंडला थाने में जाकर आदित्य की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। क्योंकि ये मामला बेहद ही हाई प्रोफाइल था, इसलिए पुलिस की कई टीम तुरंत एक्टिव हो जाती है। आदित्य की खोजबीन शुरू की जाती है। रोहन समेत आदित्य के जितने भी करीबी दोस्त थे, सबसे पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाता है। मगर किसी भी दोस्त के पास आदित्य के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। 22 अगस्त का पूरा दिन और रात इसी उथल पुथल में बीत जाता है, मगर आदित्य का कहीं कोई अता पता नहीं चलता। एक बार फिर से किडनैपर्स आदित्य के चाचा से कॉन्टैक्ट करते हैं और इस बार अपनी डिमांड बदल देते हैं। पहले किडनैपर्स ने 10 करोड़ रुपए की मांग की थी, मगर अब इस बार वो कहता है कि आप मुझे 30 किलोग्राम सोना भी चाहिए, 30 kg गोल्ड। तुरंत पुलिस को किडनैपर्स की इस नई डिमांड के बारे में जानकारी दी जाती है। पुलिस वाले भी इस डिमांड के बारे में सुनकर चौंक जाते हैं, क्योंकि फिरौती के रूप में गोल्ड की डिमांड इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि शायद इस अपहरण को किसी भारी गैंग ने अंजाम दिया है, इसलिए वो फिरौती में गोल्ड की मांग कर रहा है। अब पुलिस वाले अपनी जांच का तरीका बदलते हुए कई दूसरे एंगल से जांच शुरू करते हैं, मगर पुलिस वालों को कहीं से भी कामयाबी हासिल नहीं होती। इधर पुलिस वाले भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, इधर परिवार वाले भी अपने स्तर से बेटे की तलाश जारी रखते हैं। जब परिवार वाले अपहरण से पहले घटनाक्रमों को याद करते हैं, तो आदित्य की मां को याद आता है कि अपहरण की घटना से ठीक एक रात पहले यानी 21 अगस्त की रात आदित्य का दोस्त रोहन उनके घर पर आया था। दोनों ने काफी देर तक बातचीत की। इस बातचीत के दौरान रोहन आदित्य की मां के सामने ही सुबह रोहन के साथ जिम जाने की बात कर रहा था। इस बात के याद आते ही तुरंत एक बार फिर से आदित्य के परिवार वाले रोहन से फोन पर बात करते हैं और उसे आदित्य के साथ जिम जाने वाली बात के बारे में पूछते हैं। इस सवाल पर रोहन कोई सटीक जवाब नहीं दे पाता और तुरंत फोन काट देता है। रोहन की इस हरकत से आदित्य के परिवार वालों का माथा ठनकता है और उन्हें कुछ अनहोनी की आशंका सताने लगती है। अब वो दोबारा फोन करते हैं, मगर इस बार भी रोहन ठीक से बात नहीं करता। इसके बाद रोहन के भाई को भी आदित्य के परिवार वाले फोन करते हैं, मगर वो भी ठीक से बात नहीं करता, तुरंत फोन काट देता है। अब शक की सुई घूमकर सीधे रोहन और उसके भाई पर आती है, इसलिए आदित्य के परिवार वाले अपहरण की घटना के 2 दिन बाद आदित्य के दोस्त रोहन तथा उसके भाई पवन सिंगल और उसके एक दोस्त अर्जुन पर ही आदित्य के अपहरण का शक जताते हुए टुंडला थाने में अपहरण की हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। इस एंगल से भी अब जांच पड़ताल शुरू होती है। इस बीच अपहरण के 3 दिन बाद यानी 25 अगस्त 2016 की शाम के आसपास शिकोनाबाद थाना क्षेत्र के भूरा स्थित बुद्धा नहर में स्थानीय पुलिस को झाड़ियों के बीच एक व्यक्ति की लाश देखे जाने की खबर मिलती है। तत्काल ही उस लाश को निकाला जाता है तो पता चलता है कि एक नौजवान की लाश है। शव के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए हैं, क्योंकि आदित्य के अपहरण की घटना की जानकारी आसपास के सभी जिलों में दी जा चुकी थी और आदित्य की तस्वीरें भी मीडिया में सर्कुलेट हो चुकी थी। उस आधार पर पुलिस अंदाजा लगाती है कि ये किसी और का नहीं बल्कि आदित्य मित्तल का ही शव है। इसलिए शव की शनाख्त करवाने के लिए आदित्य के परिवार वालों को फोन किया जाता है। थोड़ी देर बाद आदित्य के परिवार वाले अस्पताल जाकर उस शव की पहचान आदित्य के रूप में ही करते हैं। मतलब मित्तल परिवार का इकलौता चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया था। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। अब तक इस पूरे मामले की जानकारी मीडिया में भी जा चुकी थी, क्योंकि ये शहर के कारोबारी के बेटे से जुड़ा मामला था, इसलिए शहर भर में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी और लोगों ने प्रशासन पर जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया था। इसलिए पुलिस और भी तेजी से काम करना शुरू करती है और आदित्य के शव मिलने के बाद सीधे उन दोनों को ही उठाती है जिन पर परिवार वालों को शक था। पहले तो रोहन किसी भी तरह से इस घटना में शामिल होने से इनकार कर देता है, मगर जब पुलिस वाले अपने तरीके से पूछताछ करते हैं, रोहन दिल दहलाने वाली सच्चाई से पर्दा उठाता है। ये सच्चाई दोस्ती के रिश्तों को तार तार करने वाली थी। रोहन सिंगल द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक रोहन भी शहर के एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। रोहन के पिता भी शहर के जाने माने व्यापारी थे। बिजनेस को और बड़ा करने के लिए रोहन आदित्य की तरह ही रियल एस्टेट के बिजनेस में भी उतरने का फैसला करता है और वो एक के बाद एक नए प्रोजेक्ट काफी पैसे लगा देता है। फिरोजाबाद के ही जलसी रोड पर करम योगी नाम का एक रेजिडेंशियल कॉलोनी भी बनाता है। रोहन को इस रियल एस्टेट वाले बिजनेस में तगड़ा नुकसान होता है। जितने भी कर्ज लेकर रोहन ने प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था, अब वो रोहन पर पैसा वापस लेने का दबाव बनाने लगते हैं।
रोहन और उसके अन्य साथी अपने सर से पैसे जुटाने की काफी कोशिश करते हैं मगर वो कामयाब नहीं हो पाते। इसी के बाद दिमाग में किडनैपिंग के जरिए पैसे हासिल करने की शैतानी ख्याल आता है। इसी के बाद अपने पुराने दोस्त आदित्य मित्तल को किडनैप करके पैसे ऐंठने का आइडिया अपने दोस्तों को देता है। दरअसल रोहन सिंगर और आदित्य मित्तल की दोस्ती लगभग एक साल पहले हुई थी। इस दौरान दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हो गए थे, एक दूसरे के घर आना जाना था। इसी कारण रोहन को आदित्य के परिवार वालों की हैसियत का भी अंदाजा था, क्योंकि आदित्य मित्तल अतुल मित्तल का इकलौता बेटा था। इसलिए रोहन अपने दोस्तों को यकीन दिलवाता है कि अगर हमने आदित्य को किडनैप कर लिया तो उसके परिवार वाले अपने इकलौते बेटे को बचाने के लिए मुंह मांगी कीमत देंगे, फिर उन पैसों से हम बड़ी आसानी से अपना कर्जा चुका सकते हैं। इसी के बाद आदित्य के हर मूवमेंट पर बारीकी से नजर रखने लगे। रोहन आदित्य की ओर करीब आता जा रहा था और उसके घर आना जाना, उठना बैठना भी शुरू कर देता है। इसी साजिश के तहत वो अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचाने से पहले 21 अगस्त 2016 की रात भी आदित्य के घर जब जाता है, रोहन खुलासे के मुताबिक जब आदित्य जिम के लिए निकलता है तो रास्ते में उसे रोहन मिलता है। रोहन उसे रोक कर कहता है कि आज जिम जाने के बजाय मेरे साथ चलो, हम अपने फार्म हाउस पर चलकर शूटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बताया। रोहन सिंगल भी शहर के एक बड़े कारोबारी का बेटा था, इसलिए उसके पास लाइसेंसी हथियार होने के साथ साथ एक बड़ा सा फार्म हाउस भी था। इसलिए आदित्य शूटिंग प्रैक्टिस के बाद सुनकर रोहन के साथ उसके फार्म हाउस के लिए तैयार हो जाता है। अब आदित्य रोहन के फार्म हाउस की तरफ बढ़ ही रहा था कि थोड़ी दूर आने के बाद रोहन आदित्य से रास्ता बदलते हुए दूसरी तरफ चलने लगता है और पूछे जाने पर रोहन कहता है कि इधर मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वहीं थोड़ा सा काम है, वहां से आकर फिर हम लोग फार्म हाउस पर चलेंगे। रोहन के इतना कहने पर आदित्य अपनी कार दूसरी तरफ मोड़ देता है। जैसे ही उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है, पहले से तैयार रोहन के भाई और दूसरे दोस्त तुरंत आदित्य को अपने कब्जे में लेकर हाथ पैर बांध देते हैं और मुंह पर कपड़ा लपेट देते हैं। इसके तुरंत पहले से ही तैयार बेहोशी का इंजेक्शन आदित्य को दे दिया जाता है। इस कारण थोड़ी देर बाद आदित्य बिल्कुल खामोश हो जाता है। इसी के बाद रोहन एक फर्जी आईडी से कुछ दिन पहले लिए गए सिम का इस्तेमाल करते हुए आदित्य के चाचा को फोन करते हुए आदित्य की किडनैपिंग की जानकारी देता है। आदित्य के चाचा रोहन की आवाज फोन पर इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि फोन करने के लिए आदित्य ने वॉइस चेंजर ऐप का इस्तेमाल किया था। रोहन के खुलासे के मुताबिक किसी का भी शक रोहन पर ना हो इसलिए आदित्य को किडनैप और बेहोश करने के बाद रोहन प्लान के मुताबिक ही आदित्य के घर जाता है और किडनैपिंग की खबर सुनकर अफसोस करने का नाटक करता है। साथ ही आदित्य की कार के बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा रोहन लगातार आदित्य के घर आना जाना जारी रखता है ताकि वो परिवार वालों की मूवमेंट को समझ सके और उसी हिसाब के फैसले कर सके। रोहन पुलिस पूछताछ में आगे खुलासा करता है कि यहाँ तक तो उसका प्लान बहुत अच्छा चल रहा था, मगर जब आदित्य के परिवार पुलिस की इस बात की जानकारी दे देते हैं तो मीडिया में खबर चलने लगती है। स्थानीय मीडिया भी जो आदित्य की तस्वीरें चल रही थी वो रोहन के साथ वाली पुलिस की बड़ी सक्रियता से रोहन को डर सताने लगता है। अब वो पकड़ा जाएगा और उसका राज खुल जाएगा, इसलिए वो आदित्य को काफी देर तक के लिए बेहोश कर देता है और एक के बाद एक बेहोशी के इंजेक्शन लगाता रहता है। लगातार इंजेक्शन लगाने का नतीजा ये होता है कि दवा के ओवरडोज से आदित्य मित्तल की मौत हो जाती है। मौत के दूसरे दिन ये लोग आदित्य का गला भी दबा देते हैं ताकि जांच का रुख बदला जा सके। आदित्य की मौत के बाद ये सभी लाश को ले जाकर पास के एक नहर में फेंक देते हैं, मगर थोड़ी ही देर बाद लाश बाहर आकर बबूल के झाड़ में उलझ जाती है और जल्दी पुलिस वालों को नजर में आ जाती है। रोहन और उसके दोस्त आदित्य की हत्या करने के बावजूद एक बार फिर से आदित्य के परिवार वालों को फोन करते हुए फिरौती की रकम की डिमांड करते हैं। बाद में वो इस केस को दूसरा एंगल देने के लिए गोल्ड की डिमांड करते हैं। गोल्ड की डिमांड के बारे में पूछे जाने पर रोहन बताता है कि दरअसल उन्होंने जानबूझकर गोल्ड की डिमांड की ताकि पुलिस वालों को लगे इस अपहरण कांड में कोई विदेशी गैंग शामिल है। रोहन के इस दिल दहला देने वाले खुलासे के बाद पुलिस तत्काल रोहन और उसके एक नौकर पवन लाल को गिरफ्तार कर लेती है। इन दोनों की निशानदेही पर पुलिस वहां भी छापेमारी करती है जहां रोहन ने उसे बंदी बनाकर रखा था। उस जगह से आदित्य को बांधने में इस्तेमाल किए गए जंजीर और रस्सी को भी पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है। इसके अलावा आदित्य को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल किए गए इंजेक्शन और दूसरे आइटम को भी पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है। पुलिस ने रोहन और पवन को तो गिरफ्तार कर ही लिया था, मगर पुलिस पूछताछ में रोहन खुलासा करता है कि उसकी इस पूरी साजिश में उसके भाई पवन सिंगल ने भी साथ दिया, इसलिए पुलिस पवन सिंगल को भी गिरफ्तार करती है। आगे की जांच में खुलासा होता है कि बेटों की साजिश के बारे में रोहन और पवन सिंगल की माँ अनीता सिंगल को भी जानकारी थी, मगर उन्होंने अपने बेटे को ऐसा करने से नहीं रोका, इसलिए पुलिस वाले अनीता सिंगल को भी गिरफ्तार करके जेल भेजते हैं। कुल मिलाकर कई दिनों की जांच के बाद इस मामले में पुलिस द्वारा 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार आरोपियों में आदित्य का दोस्त रोहन सिंगल, राजमिस्त्री हंसराम गोपाल उर्फ राम गोपाल, मुकेश, रोहन का भाई पवन सिंगल और रोहन का दोस्त अर्जुन, रोहन की मां अनीता सिंगल भी शामिल हैं। इन सभी लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस जांच आगे बढ़ते हुए
ठोस सबूत जुटाना शुरू करती है और फाइनली इस केस की सुनवाई में स्थानीय रूप से शुरू हो जाती है। पुलिस द्वारा इस मामले में काफी ठोस सबूत जुटाए जाते हैं तथा बड़ी संख्या में गवाहों को भी कोर्ट में पेश किया जाता है। इस तरह पुलिस द्वारा जुटाए गए पुख्ता सबूत और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट द्वारा अप्रैल 2021 में रोहन सिंगल, पवन सिंगल, रोशन लाल तथा गोपाल को आदित्य मित्तल की किडनैपिंग और हत्या का दोषी करार करते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, जबकि रोहन के दोस्त अर्जुन तथा रोहन की मां अनीता देवी सबूतों के अभाव में बरी हो जाते हैं। इन आरोपियों पर 1.5 से 2 लाख का जुर्माना भी लगाया जाता है। फिलहाल सभी अपराधी जेल में हवा खा रहे हैं। दूसरी तरफ आदित्य का पूरा परिवार दोस्तों पर किए गए भरोसे की कीमत चुका रहा है। दोस्तों, इस पूरे केस के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। गुड लक।